दोस्तों WPL 2024 में सबसे रोमांचक और आखिरी गेंदों तक दिल की धड़कनों को रोक देने वाला मुकाबला खेला गया RCB और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जहां दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने RCB को एक रनों से मात दे दी है, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल की टीम पहुंच गई है WPL 2024 की प्लेऑफ में। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे WPL 2024 की ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट के बारे में, बस बने रहे मैं वीडियो के अंत तक जानेंगे। दोस्तों WPL 2024 का 17वां मुकाबला खेला गया RCB और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से कप्तान मैगी लैनिंग और शिवपाली वर्मा द्वारा काफी अच्छी शुरुआत किया गया और इस शुरुआत को कायम रखने का काम किया जेमिमा रेड्रिक्स के 58 रन, एलिसा कैप्सी के 48 रनों की पारी ने, जिससे दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 121 रनों का तगड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी RCB की टीम की तरफ से एलिसा पेरी के 49 रन, ऋचा घोष के 29 गेंदों में 51 रनों की विस्फोट पारी के बावजूद RCB की टीम ने इस मुकाबले को एक रन से गवा दिया। और दोस्तों अब चलिए जानते हैं WPL 2024 के ऑरेंज कैप के टॉप 3 दावेदारों की लिस्ट। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मैगी लैनिंग 7 मुकाबलों में 41 की एवरेज से 290 रनों की घातक पारी के दम पर ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 1 के पैदान पर है। उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तान स्मृति मंदाना 7 मुकाबलों में 35 की एवरेज से 248 रनों के जबरदस्त पारी के दम पर ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 2 के पैदान पर है। उसके बाद मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर 5 मुकाबले में 78 की एवरेज से 235 रनों की धांसू पारी के दम पर ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 3 के स्थान पर है। और दोस्तों अब चलिए जानते हैं WPL 2024 के पर्पल कैप रेस के टॉप 3 दावेदारों की लिस्ट। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के दाएं हाथ की गेंदबाज जेस जोनासेन 5 मुकाबले में 10 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में नंबर 1 के पैदान पर है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाज राधा यादव 7 मुकाबले में 10 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में नंबर 2 के पैदान पर है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की एक और खिलाड़ी मारी जैन 5 मुकाबले में 9 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में नंबर 3 के पैदान पर है।